CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच पहुंचे बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। बता दें कि बहराइच पहुंचे तोगड़िया सिद्धनाथ मंदिर गए, जहां सिद्धनाथ मंदिर की ओर से श्री रविगिरी जी महाराज ने स्वागत किया, जिसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर उनका कुशल क्षेम पूछा। वहीं मीडिया से वार्ता के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने बताया कि बहराइच आने का कोई खास मकसद नहीं, बस यूं ही कोरोना काल के बाद अपनों से मिलने के लिए आया हूं। वहीं बहराइच में प्रवीण तोगड़िया के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल व आला अधिकारी रहे मौजूद। बांग्लादेश, नेपाल को छोड़कर बाकी सब जगह पर जी कोरोना का कहर चालू है। ओमिक्रॉन नाम का कोरोना का वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। यूरोप में अंदाज है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों के मृत्यु हो सकता है और उनके मरीज मध्य प्रदेश, मुंबई, बेंगलोर, भारत में डिटेक्ट हुए हैं। तो भारत को भी कोरोना के तीसरे संभवित वेव के प्रति सावधान रहना चाहिए। जनता को 3 बातें करनी चाहिए। कोरोना का वेव आगे बढ़ता है तो डबल मास्क, दूरी और डबल वैक्सीन। और सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि इस बार कोरोना का वेव आता है तो कहीं एक भी बेड ऑक्सीजन दवाई की कमी न रहे। हमें मिलकर कोरोना के प्रति तुरंत युद्ध स्तर पर पूर्व तैयारी कर देना चाहिए। आज बहराइच में आने का खास उद्देश्य? कोरोना कम हुआ तो 2 साल कोरोना के कारण मेरा कहीं बाहर जाना नहीं हुआ, तो कार्यकर्ता का कुशल पूछना वही एकमात्र उद्देश्य। कोई मीटिंग नहीं है, कोई सभा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कुशल पूछना वही एकमात्र कार्य।